आपको क्या गिवन है, एक कंटेनर, ये जो एक ना बीकर गिवन है या कोई भी कंटेनर गिवन, जिसमें लिक्विड है, एचहाइट का लिक्विड है, यहां पर मुझे होल करना है, ठीक है, कैपिटल एच हाइट का लिक्विड है। किसी ने कहा सर ये टैंक है कैपिटल एच, आप ना एक वो लो, सुई लो, उसमें होल कर दो। कहां करूं ताकि रेंज मैक्स आए, ताकि पानी दूर से दूर जाके गिरे, ये क्वेश्चन है। तो मुझे क्या निकालनी है, हाइट एच, छोटा एच निकालना है, ग्राउंड से क्या हाइट रखूं, कहां होल करूं कि रेंज मैक्स हो, पानी दूर से दूर जाके गिरे। आप ये बताओ रेंज होती क्या है। रेंज होती है 2 × अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट, होल के ऊपर की हाइट। तो रेंज का फॉर्मूला ये रहा, 2 × अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट और ऊपर की हाइट। अब रेंज को क्या करना है, मैक्स, रेंज मैक्स करना, आर स्क्वायर को मैक्स करना, एक ही बात है। तो रेंज स्क्वायर निकाल ली, रेंज का स्क्वायर कर लिया, और इसको क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, जो निकालना है इक्वल टू 0। आर स्क्वायर की वैल्यू को ऊपर पुट किया विद रिस्पेक्ट टू एच इक्वल टू 0, तो 4 कट गया 0 से, जाने दो। मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म किया, सेकेंड टर्म किया, कैपिटल एच कॉन्स्टेंट है, डीएच बाई डी एच 1 है, ये 2 एच है, सोल्व करके एच बाई 2। सीधा रिजल्ट याद रखो, ये प्रूफ वगैरह कुछ नहीं आना, सीधा ऑब्जेक्टिव में रिजल्ट क्या, कि अगर लिक्विड की हाइट कंटेनर में कैपिटल एच है तो होल को कहां करना है, एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पे करना है, ताकि रेंज क्या आए, मैक्सिमम। तो आपको न्यूमेरिकल आएगा कि लिक्विड की जो हाइट है कंटेनर में वो 10 मीटर है, तो होल में कहां करूं ताकि रेंज मैक्सिमम आए, तो आंसर इज 5 मीटर पे करूं आंसर डायरेक्ट। तो समझ में आ रहा है ये स्टेप कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो सीधा रिजल्ट मार्क करेंगे, बात खत्म। एक और ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत बुक्स में, हर बुक्स में गिवन है ये, क्या कि सपोज करो आपके पास फिर से कंटेनर है, एच हाइट का लिक्विड है, लिक्विड का लेवल इसमें एच है, इसके अंदर 2 होल्स हैं, ये पहला होल है और ये दूसरा होल है, तो लिक्विड दोनों से बाहर निकलेगा। अब लिक्विड मैक्सिमम दूरी तब कवर करता है जब वो होल मिड पॉइंट पे होता है। अब होल मैंने कहां कर दिया, एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया, मैक्सिमम तो आएगा नहीं, तो लिक्विड यहां से यहां गिरा, यहां से यहां गिरा, क्योंकि होल जितना नीचे होगा लिक्विड दूर नहीं जाएगा, ऊपर होगा तो भी लिक्विड दूर नहीं जाएगा। रेंज की वैल्यू दोनों में क्या आ गई, मैक्सिमम, रेंज की वैल्यू सेम आ गई, सॉरी। तो 2 होल्स किए, एक होल को किया एट अ हाइट ऑफ एच वन, दूसरे होल को किया एट अ हाइट ऑफ एच टू, ताकि आर की वैल्यू क्या आए, एग्जैक्टली सेम। तो ऑप्शन आएगा, रिलेशन बताओ कैपिटल एच का, एच वन का और एच टू का आपस में क्या रिलेशन है, ऐसा ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन आएंगे मार्क करने को। देखो आप ना अगर ऑप्शन देखें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे इसका आंसर ये है, कैपिटल एच पानी की हाइट, एच वन और एच टू के इक्वल है। देखो आप इसमें तुक्का भी मार नहीं पाएंगे, आपको क्या पता आंसर क्या होगा, आप लॉजिक क्या लगाएंगे, रेंज इक्वल है भाई। अगर रेंज इक्वल है तो बताएं, अगर होल नंबर 1 है तो होल नंबर 1 से रेंज आएगी क्या, अंडर रूट ऑफ होल के नीचे की हाइट इनटू होल के ऊपर की हाइट, क्लियर है यहां तक? और सेकेंड होल में रेंज क्या आएगी, होल के नीचे की हाइट एच टू माइनस होल के ऊपर की हाइट कितनी, एच माइनस एच टू। हमें रेंज की वैल्यू दोनों में क्या गिवन है, सेम, इक्वेट कर दो, यहां से इक्वेट कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग करके कैपिटल एच वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, आंसर कैपिटल एच इज एच वन प्लस एच टू। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव है, देखते ही इसका आंसर सीधा मार्क कर देना, समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये करने की जरूरत नहीं ना, आपने एक बार देख ली आपको याद हो गया, डन, क्लोज, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो आइडिया पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है।